एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? मैं बना रही हूँ आज मूली के पराठे। जो पराठे खाएगा उनके लिए पराठे, मेरे लिए रोटी। मूली खाएगा चीकू? चीकू मूली खाएगा? चीकू मूली मूली खाओ दे। तो मैं लगा रही हूँ अपने बालों में तेल लगा रही हूँ। मुझे कहीं जाना था, उससे पहले हेड वॉश करना है मुझे, तो इससे अच्छा है पहले थोड़ी देर पहले ऑयलिंग कर लूँ ताकि बाल भी सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे हो जाएं एकदम बढ़िया। इससे मैं अपना काम करूँगी, थोड़ा बहुत काम निपटाऊंगी तो मैं तेल लगा के छोड़ दूंगी बालों में। हो गई है मेरे बालों की ऑयलिंग और बाल हो गए एकदम तैयार। वॉश करूंगी थोड़ी देर में और उससे पहले ये हो जाएंगे काफी स्ट्रॉन्ग हेल्दी। आज मैं बना रही हूँ शाही आलू बैंगन की सब्जी। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी हुई है लेकिन वो मैंने तब कढ़ाई में बनाई थी। आज मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए थोड़ा जल्दी में हूँ तो इसलिए मैंने कुकर में बना दी है। इसमें भी अच्छी बनती है, उसमें थोड़े खली खली बनती है, इसमें थोड़ी सी आपको पता ही कुकर और कढ़ाई का डिफरेंस तो वही है, बस टेस्ट तो सेम ही है दोनों में। तो मैं हो गई हूँ नहा के रेडी और जाने के लिए हो गई हूँ तैयार। मुझे कहीं जाना था और दोनों निकल गए हैं, कुछ काम था। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आज मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे ये। चलो स्टार्ट हो जाओ। स्टार्ट क्या करते हैं तुम्हें? क्या करते हैं? ये एक ऐसे प्राणी है मेरे घर के जो मेरे ब्लॉग नहीं देखते। ब्लॉग? मैं क्या करता हूँ ब्लॉग देखने की? इतना बड़ा ब्लॉग हमारे साथ है। ब्लॉगर? ब्लॉगर कहता हूँ। मैं क्या करता हूँ ब्लॉग? ब्लॉग हमारे साथ है। तो हम जा रहे हैं लंच करने आज। कहाँ जा रहे हैं? काले के जा रहे हैं मुझे लंच डेट पे। 85 किलो का ब्लॉगर हमारे साथ है तो मैं क्या जरूरत है जाने की? मैं सारा दिन डाइट की वो देती रहूं है और यहाँ मेरी पोल पट्टी खोल दो। 85 किलो 85 किलो हम जा रहे हैं बीकानेर जीके। झूठ बोल रहे हैं। 85 किलो की तो मैं जब भी नहीं, जब काना हुआ डिलीवरी के बाद 86 की हुई जब भी। पाउंड में देख लो फिर और क्या, कहीं तो 85 सेट बैठ जाएगा। केजी में ना तो पाउंड में सही। अब बहुत से लोग पूछते हैं आपका वेट कितना? मेरा वेट है 60 केजी।
60 kg पाउंड मत केजी। कोई बात मतलब ये झूठ है ना? ठीक ही है, हमने कहा हमारे हाथ में कोई लग रहा है मीटर दिन ऑफ लेगा। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं दीदी कहाँ गई है। दीदी गई है घूमने ऋषिकेश, कल तक वापस आ जाएंगे। हम भी किसी काम से आए हुए थे। पुलिस थाना पर मास्क के पीछे मेरा चालान कट जाए जब भी मैं इनके साथ अड्डे में था। सवारी अपने चालान की खुद जिम्मेवार है, ठीक है? हम सिर्फ गाड़ी का देखेंगे, चालान वालान भाई अपने आप देखो। वो तो ताड़ते ही ना है तुम्हें बाहर खड़ा करते मास्क मेरे पास है। मैं क्या हूँ इसे पकड़ो भाई, ये नहीं है समझदार। मास्क लगा रखा है, व्लॉग भी कर रहे हैं तो मास्क उतार के नहीं मास्क पहन के कर रहे हैं। आवाज क्लियर ना आती ना मेरे ख्याल से, अब जितनी ये रिकॉर्डिंग है आवाज क्लियर नहीं आएगी, ठीक है? कोई बात ना, आवाज क्लियर होनी चाहिए गले से, मास्क थोड़ी हो गया आवाज क्लियर। कौन सा आवाज फिल्टर थोड़ी चाहिए, हो गया कि मास्क में से फिल्टर निकल गया होगा। अब देख हम कितने साफ बोल रहे हैं, अपने देश में बोल रहे हैं। अच्छा गेटर क्लास टू में और प्लान है कुछ पंजाबी खाना, चटपटा स्पाइसी, मे बी भटूरे और मे बी मटर के कुलचे बैठ के तुम्हारी बात। हाँ वही अटकेंगे और मटर के कुलचे के अलावा तुम कुछ खाओगे ना? वो तो है, खैर मटर के कुलचे तो अपना खैर बचपन का वही खाना है, कभी 10 रुपए प्लेट खाते थे, अब खाएंगे 100 रुपए प्लेट। और बताओ, ये आ गए हैं हम बीकानेर जीके टू में और पार्किंग एकदम फुल है। देखो तुम्हारे लिए क्या दिया मैंने, फ्री 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 सारा कुछ फ्री है, फिर भी बिल आएगा। एक बिरयानी कर दो, एक रुमाली जो ये काठी रोल आपका रुमाली रोटी जो है वो कर दो, और रात में चार होगा। Finally, we did some mistakes. मैं सोच रहा सतीश ढाबा वाला कोई ना, तू रोल खा ले मैं खा ले। बीकानेर में आकर तुम सतीश ढाबा ढूंढ रहे हो हैं? यही तो गलतियां करते हैं लाइफ में।
खाना खा के मुझे तो आ गई बहुत तेज नींद। मैं कभी दिन में दही वगैरह खा लेती हूँ तो मुझे बहुत तेज नींद आ जाती है। मैंने 5-10 मिनट की एक छोटी सी झपकी ले ली थी, थोड़ी फ्रेश हो गई थी। वैसे तो घर ज्यादा दूर नहीं था पर फिर भी। मेरे से कोई पूछ रहे थे कि अपनी इस साइकिल के बारे में बताओ, रिव्यू दो इसके बारे में, कहाँ से ली, कैसी है और क्या है। तो आइए मैं दिखाती हूँ पास से। जब हमने ये ली थी 6 साल पहले, इसमें ये बटन काम करता था, यहाँ पे इसके मीटर वगैरह सब काम करते थे। अब हो गए इसे 6 साल, अब ये कुछ काम नहीं कर रही। तो ये नॉर्मल साइकिल है, करने में बहुत अच्छी है। इसमें इसकी स्पीड कम ज़्यादा करने की है, कितनी इसकी स्पीड में करना है। बहुत ये इसके पैंडल लूज हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं बस। और ये हमने ऑफलाइन ही लिफलाइन ली थी। अब कब ली थी, कहाँ से ली थी, बता नहीं। जी ली थी तब हमारे बच्चे नहीं होते उससे पहले, पर हाँ उनके होने के बाद भी हमने इससे ही वेट लॉस करा है और अभी इससे ही कर रहे हैं। नॉर्मल साइकिलिंग जैसी है। अगर मुझे कहीं भी ऑनलाइन इसका लिंक मिला या इसके जैसी कोई मिली तो मैं ज़रूर किसी वीडियो में दे दूँगी, इसमें तो नहीं, शायद किसी और वीडियो में बता के दे दूँगी। तो इसमें इसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके आसपास कहीं भी मिल जाएगी, जहाँ एक्सरसाइज वगैरह का सामान मिलता है शायद मिल जाए, तो वहाँ से ले लेना। मोटे क्या खा रहा है? मोटे सुजीवन का खा रहा कना, अपनी खा रहे खीर, आपकी तो फेवरेट है, और खा लो। ऐसे क्यों बैठा है परेशान सा, क्या हो गया? कने मोटू क्या खा रहा है घूम घूम के? खीर खा रहा है मोटा। तो आज है दोज और हमने भोग के लिए बनाई है खीर। मोहन बाबा की दोज है आज, और अब बना रही हूँ मैं शाम का खाना, खीरे का रायता। उसके लिए जीरा भून रही हूँ और साथ में बनाई है तोरई की सब्जी।
ये ऐसे चांद निकल रहा है, जूम करो। हाँ ऐसा है, सूरज निकल रहा है ना। हाँ। एक ही सेकंड में ये ऊपर हो जाएगा। छत पे वॉक करने आए थे तब हमने देखा चांद निकल रहा था, दूज का चांद है, बहुत ही सुंदर लग रहा था, एकदम ऑरेंज ऑरेंज जो बहुत बड़ा था। तो चलिए करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।